बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। उम्मीद है सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त किस्म का नो कुक एंड नो बेक स्ट्रॉबेरी बनाना डिजर्ट। जी हाँ, स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, सो आई थॉट व्हाई नॉट इनको यूटिलाइज किया जाए। और स्ट्रॉबेरी की बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस मजेदार से और डिलिशियस से फटाफट से बन जाने वाले डिजर्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है इसके लिए एक जेली प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैकेट जो है स्ट्रॉबेरी जेली का लिया है और इसमें अब मैं एक कप खोलता हुआ गर्म पानी ऐड करूंगी और इसे जल्दी से चला देंगे ताकि ये जेली जो है हमारी अच्छे से डिजोल्व हो जाए। मेक श्योर लंग्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। अब बस ये देखिए, जेली हमारी अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है और अब हम इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ही सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने दो पैकेट के करीब जो है मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है, किसी भी ब्रांड की आप यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्वार्टर कप के करीब जो है मैं दूध ऐड करूंगी और इसको स्लाइटली हम पतला करेंगे। मजीद थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। हाफ कप के करीब जो है मैंने इसमें दूध ऐड किया है और बस इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है। इसी के साथ साथ अब मैं इसमें ऐड करूंगी, यहां पर मेरे पास पाउडर शुगर है, दो बड़े चम्मच इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उतनी आप यूज कर लें। अब ये दोनों चीजें जो है हमारी प्रिपेयर हो चुकी हैं, जेली और हमारी क्रीम। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए यहां पर मैंने एक बाउल के अंदर एक बड़ा कप के करीब जो है दूध लिया है, टेबलस्पून जो है शुगर ऐड करके दो मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया और ये हल्का गर्म है। और अब जो है यहां पर मैंने हाफ पैकेट रस्क का ले लिया है, कोई भी ब्रांड के आप यूज कर सकते हैं। और अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और हमने रस्क को इस तरीके से इसके अंदर डिप करना है और एक्सेस रिमूव करते हुए हमें ये रस्क जो है इस तरीके से वन बाय वन प्लेस करते जाने हैं अपनी सर्विंग ट्रे के अंदर। ये डिजर्ट बहुत ही क्विक बन जाता है और टेस्ट में बहुत ज्यादा मजे का है, बहुत ही डिफरेंट लगता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मीनवाइल अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मजेदार वीडियोस के लिए। फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज, ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है और ये बिल्कुल फ्री है। चले जी, अब इसी तरीके से जो है मैं सारे के सारे रस्क जो है इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करती जाऊंगी ट्रे के अंदर। इस तरीके से इसकी एक बेस बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहां पर मैंने एक कप के करीब जो है स्ट्रॉबेरीज ली हैं, उसको इस तरीके से हमने कट कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं पाउडर शुगर जो है अराउंड 1 टेबलस्पून जो है मैंने पाउडर शुगर ऐड कर दी है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे साइड पर रख देंगे ताकि पाउडर शुगर अच्छे से इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए और स्ट्रॉबेरीज के अंदर एक खट्टा सा स्लाइटली टेस्ट आता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है शुगर ऐड की है ताकि इसके अंदर जो है स्वीटनेस आ जाए। चलें जी, ये पाउडर शुगर है इसलिए फौरन से ही ये इसके अंदर मेल्ट हो गई है और अब हम अपनी सर्विंग ट्रे के ऊपर
जो है अपनी स्ट्रॉबेरीज की ये लेयर जो है लगा देंगे इस तरीके से। चलें जी, इस तरीके से सारी ही स्ट्रॉबेरीज हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। अब यहां पर जो क्रीम हमने सेट की थी, इसके अंदर हमने ये जो जेली प्रिपेयर की है, इसको हम इस तरीके से, ये हल्की सेट हो चुकी है और ये सारी की सारी जेली हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करते ही हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि जेली और क्रीम जो है अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। जेली के अंदर ऑलरेडी जो है शुगर का कंटेंट रहता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि क्रीम में आपने बहुत ज्यादा शुगर ऐड नहीं करनी। मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किए हैं, जो कि बिल्कुल मॉडरेट वे में यूज किया है मैंने। चलें जी, अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, क्रीम और स्ट्रॉबेरी जेली का। और अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से अपनी ये सर्विंग ट्रे लेंगे, इसके ऊपर हम ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ये हम इसके ऊपर इस तरीके से पोर कर देंगे। पूरा मिक्सचर हमें एक ही बार में नहीं डालना, बस हमें इसको कवर करना है, ताकि हमारे डिजर्ट की ये फर्स्ट लेयर जो हमने प्रिपेयर की है ये अच्छे से कवर हो जाए। इस तरीके से हमने इसके ऊपर ये मिक्सचर ऐड करना है। मेक श्योर आपने इसे पूरा कवर करना है। चलें जी, अब स्लाइटली ट्रे को इस तरीके से मूव करते हुए आप इसको ऊपर सारा फैला लें। और अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है कि दोबारा से हमें अपना वही वाला प्रोसेस रिपीट करना है कि रस्क लेने हैं हमें, और इस तरीके से हमें दूध में दोबारा से डिप करने हैं, दूध और शुगर के इस मिक्सचर में, और दोबारा से हमें इस तरीके से रस्क इसके ऊपर प्लेस करते जाना है इसकी सेकेंड लेयर के लिए इस तरीके से। चलें जी, अब दोबारा से हम इसी तरीके से रस्क लगा देंगे इसके ऊपर। हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रॉबेरी बनाना डेजर्ट है, तो अब जो है यहां पर मेरे पास 1 कप के करीब कटे हुए बनाना है, ये हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रॉबेरीज और बनाना का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत मजे का लगता है, सो आप इस डेजर्ट को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मजे का बनता है, और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत कम टाइम में बिना किसी कुकिंग के आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं, और आई एम श्योर आपके गेस्ट बहुत खुश होंगे अगर आप इसे बनाकर उनके सामने रखेंगे तो। चलें जी, हल्के हाथों से आपने इस तरीके से प्रेस कर देना है इस लेयर को। और अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना है कि वही सेम प्रोसेस के हमने ये जो क्रीम और स्ट्रॉबेरी जेली का बैटर रेडी किया है, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर पोर कर देंगे। मेक श्योर आपने सारा का सारा इसके ऊपर पोर करना है, कोई भी जो है ना जगह बचनी नहीं चाहिए। प्रॉपरली आपने इसको कवर करना है। जो 8 to 10
जो है लोगों के लिए बहुत इजीली सर्विंग है। सो बस आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। स्पेशली बच्चे बहुत जो है इस डिजर्ट को पसंद करेंगे, आई एम श्योर दे विल लव इट, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज और बनाना दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के फेवरेट होते हैं। चले जी, अब हल्का सा हम इसे इस तरीके से उठाते हुए इवन कर लेंगे ताकि क्रीम जो है हमारी अच्छे से हर तरफ सेट हो जाए। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे पास थोड़ी सी कटी हुई स्ट्रॉबेरीज हैं, इसको एक फाइनल लुक देने के लिए अच्छा सा हम इसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरीज रख देंगे ताकि ये बहुत प्रेजेंटेबल लगे। डेकोरेशन जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल होता है। बस बहुत ही सिंपल तरीके से जो है इस तरीके से आपने इसे गार्निश कर लेना है। मेरे पास रस्क है जो इसी डिजर्ट से बचे हुए थे मेरे पास इस पैकेट से, उनको मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया हाथों से और अब इसको मैं इस तरीके से साइड्स पर जो है इस तरीके से लगा दूंगी। ये चलें जी, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा नो कुक एंड नो बेक स्ट्रॉबेरी बनाना डेजर्ट इज एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व। लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो है चॉकलेट सिरप से इसको गार्निश कर दिया। इट्स टोटली ऑप्शनल अगेन कि अगर आपके पास हो तो आप डाल दें और अगर नहीं है तो स्किप कर दें। आई होप आपको आज का ये डिजर्ट पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।